काश कि हम चाय हो जाते, वक्त बेवक्त तुम्हें याद तो आते। हेलो मेरे गाइस, हेलो फ्रेंड्स। तो अभी मैं एक शादी में हूँ और यहाँ पर मुझे ये स्पेशल राजस्थानी चाय मिल रही है, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। ओके चलो दोस्तों, सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में चाय की बात ना हो ये कैसे हो सकता है, और वो भी मसालेदार चाय। जब चाय कुल्हड़ में आती है ना, गरम गरम चाय आपके होठों से जब टच होती है तो बस एक ही बात कहूँगा, लहजा ज़रा ठंडा रखें जनाब, गरम तो हमें सिर्फ चाय पसंद है। ये जो है ये पीतल का है, है ना? पीतल का क्या बोलते हैं इसको? चुल्लू? नहीं, चुल्लू तो है, चुल्लू के ऊपर ये ठुल्लू क्या है, पीतल का है ना ये? हाँ, तो ये कुल्हड़ के हैं, बिल्कुल मिट्टी के, है ना? और ये नीचे चूल्हा, कोयला, और ये कोयले के ऊपर, ये चुल्लू के ऊपर क्या है, ये केटली पीतल की। इससे चाय का और अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, तो आपको चाय कैसी लग रही भाई साहब? भाई साहब चाय, हाँ, राजस्थान की मिट्टी और राजस्थान की चाय, वाह, बहुत बहुत अच्छी चाय लग रही है, और उनको भी बहुत पसंद आ रही है और आपको भी बहुत पसंद आ रही है। आप पी के देखिए। यस, चाय कैसी लग रही है? चाय बहुत बढ़िया। वाह, इस चाय का स्वाद ही कुछ अलग है। मिट्टी की खुशबू आ रही है, मिट्टी की खुशबू आ रही है इसके अंदर से, अंदर से, क्योंकि ये मिट्टी में पकी है। उसका स्वाद बिल्कुल होटल तक आ रहा है, लग रहा है बापता गांव की मिट्टी की चाय है। मजा आ गया चाय पी के। तो आप लोगों को अभी बस क्या करना है, क्या करना है आप लोगों को? चाय इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। अब हमें क्या भाई, अब हमें डीटीसी बस पकड़ेंगे, लेडीज फ्री में जाएंगे, हम दोनों टिकट ले लेंगे और उसके हम सीधे कर। लेकिन करना क्या उसके बाद, वीडियो देखने के बाद लास्ट में? लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बोल सेम हियर, माय आंसर इज द सेम, नो डिफरेंस।